तो इसमें ध्यान देना, हम मेनली जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ कहाँ लगाया जाता है? थैलियम पे, लीड पे और बिस्मथ पे। क्या होता है इनर्ट पेयर, होता क्या है देखेंगे। थैलियम प्लस वन इज मोर स्टेबल देन थैलियम प्लस थ्री, लीड प्लस टू इज मोर स्टेबल देन लीड प्लस फोर, बिस्मथ प्लस थ्री इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ प्लस फाइव ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसका रीजन हम दे देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन हर जगह स्टेबिलिटी जो है वो इनर्ट पेयर ही डिफाइन नहीं करेगा। जैसे कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल देन प्लस वन, इसमें एसआरपी वैल्यू डिफाइन होता है, तो इसको अलग से हम डिफाइन कर देंगे। इसमें एसआरपी वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं। इसमें कहीं कहीं पर इसमें इन सब केसेज में हम जो स्टेबिलिटी चेक करते हैं वो उसका इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के जैसे चेक करते हैं, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के वजह से। फुल फील्ड कि यहाँ पर फुल फील्ड बन गया है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, इसलिए यहाँ ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इनका स्टेबिलिटी चेक करना है तो हमें जो रीजन देंगे, इनका जो स्टेबिलिटी हमें चेक करना होगा, तो स्टेबिलिटी का रीजन चेक करने के लिए हम इनर्ट पेयर का रीजन देते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जब स्टेबिलिटी देखा जाता है तो हर बार स्टेबिलिटी को एक ही जैसा नहीं उसको ट्रीट किया जाता है, उसमें कहीं कहीं फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है, कहीं कहीं पर एसआरपी वैल्यू एसओपी वैल्यू देखा जाता है। ठीक है, तो वो हमें चीज समझ में आएगा कि यहां पर अब ये पर्टिकुलर इन्हीं के लिए डिफाइन है, इसीलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट हम इन्हीं पे पढ़ेंगे, इन्हीं को इनर्ट पेयर से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हर ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज्यादा स्टेबल है, उसका स्टेबिलिटी देखने के लिए ऐसा नहीं कि हर बार हम एक ही कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे जैसे हम ब्लॉक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें और भी समझ में आता जाएगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हम कैसे देखें। तो मैं यहां जो आपको बता रहा हूं, थैलियम प्लस वन इज मोर स्टेबल देन थैलियम प्लस थ्री, लीड प्लस टू इज मोर स्टेबल देन लीड प्लस फोर, और बिस्मथ प्लस थ्री इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ प्लस फाइव, दिस वन इज स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर। और इसीलिए जब थैलियम प्लस थ्री में रहता है तो थैलियम प्लस वन में आना चाहता है, तो ये रिड्यूस होना चाहता है, इसका रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब दिस वन इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जहां भी थैलियम प्लस थ्री में होगा वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जहां भी लीड कहीं पर मान लो प्लस फोर में है, इसे पीबीओ टू है, यहां लीड प्लस फोर में है, ये पीबीओ में आना चाहता है, क्योंकि यहाँ प्लस फोर है यहाँ प्लस टू है, इसीलिए पीबीओ इज मोर स्टेबल देन पीबी प्लस पीबीओ टू। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि प्लस फोर से कहाँ आना चाहेगा प्लस टू में, यानी रिड्यूस होना चाह रहा है। बिस्मत प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है, अगर प्लस फाइव में है तो कहाँ जाना चाहेगा बिस्मत प्लस थ्री में, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब रिलेट कर दिया, यानी कुल मिला के ये है कि कहीं पर भी किसी कंपाउंड में थैलियम प्लस थ्री में हो या लीड प्लस फोर में हो या बिस्मथ प्लस फाइव में हो, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा, स्टेबिलिटी कम होगा। ऐसे केसेज में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होते हैं। ये तो इसका एप्लीकेशन मैंने बताया। अब यहां आप ध्यान से सुन लो कि इनर्ट पेयर होता क्या है, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि इनर्ट पेयर लग रहा है, हम यहां डायरेक्ट बोलते हैं कि इनर्ट पेयर लग रहा है। होता क्या है, दो चीज जानना है। जानने के पहले एक चीज हम ये जानेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हम जंप कराते हैं, एक्साइटेड में लेके जाते हैं, व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप, जब हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं, एक्साइटेड में लेके जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर एनर्जी में जाता है, क्योंकि पहले से वो उधर जंप करता है, यहाँ इधर लोअर होता है इधर हायर होता है, तो
जब हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो क्या होता है, लोअर एनर्जी, यानी जो पहले जिसको हम भरते हैं वो लोअर होता है, और जो बाद में भरते हैं उसको उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी होता है, यानी लोअर से हायर में जंप करके जाता है। देखोगे 3s से p में जा रहा है तो 3s का एनर्जी कम है, p का ज्यादा है। तो लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो हम एक चीज और भी जानना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यानी एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है, ये चीज हमें जान के रखना है। अच्छा, मान लो जंप किया और जंप करने के बाद जाके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, एक चीज ऐसे नॉर्मल समझना, बोरॉन पे पहले 1s2 2s2 और 2p1। अब यहां दो इलेक्ट्रॉन है और यहां एक इलेक्ट्रॉन है, इसने जंप किया तो ये 2s है और ये 2p है, इसका एनर्जी ज्यादा है, तो दिस वन इज लोअर और दिस वन इज हायर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके गया, यहां पे लोअर से हायर में गया, तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब किया होगा ना सिस्टम से, तो यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ होगा। अब जाके बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया होगा, हाइब्रिड हुआ होगा, तब जाके बॉन्ड बनाया होगा, बॉन्ड बनाया होगा तो एनर्जी रिलीज हुआ होगा, एनर्जी रिलीज हुआ होगा। यानी ये सिस्टम पूरा एक बॉन्ड बनाने के पहले से लेके एक बॉन्ड बनाने तक जब सारे एनर्जी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे को बेनिफिट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि हम पैसा कम ले और ज्यादा लुटा दे, ऐसा नहीं, एब्जॉर्ब कम होना चाहिए और रिलीज ज्यादा होना चाहिए। तो बोरॉन वो काम करता है, एब्जॉर्ब यहां एक्साइटेड होने में, जंप कराने में एनर्जी कम लेता है, जबकि बॉन्ड बनाने में एनर्जी ज्यादा रिलीज कर देता है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि बॉन्ड बनाते समय एनर्जी ज्यादा रिलीज कर देता है, इसीलिए एक्साइटेड करना वहां पर क्या होता है, अच्छा बात हो जाता है, मतलब हम इसको डोमिनेट कर देते हैं कि तुम हो जाओ एक्साइट, क्योंकि यहां एक्साइट होने में कम लगता है एनर्जी और बॉन्ड बना के एनर्जी रिलीज करने में ज्यादा रिलीज होता है। तो ये चीजें हमें जानना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन बेस पे कि यहां एनर्जी कम लगता है जंप कराने में और बॉन्ड बनाने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। अब कहीं कहीं ऐसा आ जाएगा कि बॉन्ड बनाने में ज्यादा कम एनर्जी रिलीज हुआ और एक्साइटेड में ज्यादा लग गया, तो हम एक्साइटेड क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, हम एक्साइटेड क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, हम जंप क्यों करवाएंगे, नहीं करवाएंगे जंप। जब ये एनर्जी ज्यादा लगेगा ये कम लगेगा वो हम जंप नहीं करवाएंगे, वही कंडीशन इनमें आ जाता है, वही कंडीशन इनमें आ जाता है। तो बोरॉन में जंप हो जाता है लेकिन इनमें जंप नहीं होता। अब देखते हैं कैसे जंप नहीं हो रहा है। तो चलो थैलियम ही पकड़ते हैं, थैलियम किस ग्रुप में आ गया, बोरॉन बैंगन आलू गाजर इन थैला 2, 3, 4, 5, 6, बैंगन आलू गाजर इन थैला 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसका हो जाएगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन 6s2 और 6p1 होगा ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो ही होता है। तो थैलियम का हो जाएगा 6s2 और 6p1। अब इसके पास प्रोटॉन भी बहुत ज्यादा है तो होगा क्या, होता ये है कि ये अब थैलियम जब जंप करेगा तब ना 3 बॉन्ड बनाएगा, तब ना उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जब थैलियम जाएगा तब ना +3 होगा उसका। उसका मतलब ये हुआ कि यहां से जंप करने में थैलियम को, अब यहां पर थैलियम में प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए, तो थैलियम को जंप कराने में, जंपिंग कराने में एनर्जी ज्यादा लगता है, और आफ्टर जंपिंग जब ये बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी कम रिलीज होता है। इसीलिए थैलियम चाहता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन जंप नहीं ही करें, और जो हमारे पास अनपेयर्ड है हम उसी से काम चलाएं, उसी से बॉन्ड बनाएं। डेट्स वाई
ये थैलियम प्लस वन में ही रहना चाहता है, क्योंकि जब जंप होगा तब ना प्लस थ्री होगा, जब तीन बॉन्ड बनेगा इसके साथ तब ना प्लस थ्री आएगा। लेकिन क्या होता है कि ये एनर्जी इतना ज्यादा लग जाता है कि बॉन्ड बनाने के बाद जब ये बॉन्ड एक्साइटेड में एनर्जी ज्यादा लग जाता है और बॉन्ड बनाने में एनर्जी कम लगता है। अब ये क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, इसका अट्रैक्शन प्रोटॉन का भी ज्यादा है, इसका अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन प्रोटॉन का ज्यादा है, मतलब जेड इफेक्टिव इसमें ज्यादा हो जाएगा इसके लिए, और बोरॉन वाला में कम हो जाएगा। ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि सर बोरॉन वाला में कम क्यों लग रहा था, तो इसका रीजन ये है कि बोरॉन में प्रोटॉन कम थे, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है तो इसको खींच के रखता है, इसको जंप नहीं होने देता है, मतलब जंप कराओगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि इन थैलियम एनर्जी टू एक्साइटेड 6s2 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन। अब ये मान लो जंप करवा दिया, तो जंप करवाने में लग गया 50 और बॉन्ड बनाने जब हमने तो केवल 30 ही एनर्जी रिलीज हुआ, अच्छा बात नहीं है ना हमारे लिए। देन एनर्जी रिलीज when bond will form, यानी बोरोन अपना इलेक्ट्रॉन जंप करा के, सब चीजें ये भी ध्यान में रखना है कि बोरोन अपना इलेक्ट्रॉन जंप करा के, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जंप करा के तब बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जंप करवाने में एनर्जी लगता है और बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज हो जाता है, तो उस तरह से उसका जंपिंग एक क्या है, बेनिफिशियल है, फायदेमंद है कि एनर्जी कम लगा रिलीज ज्यादा हुआ, सिस्टम और स्टेबिलिटी गेन कर लिया, वो कंपाउंड और स्टेबिलिटी गेन कर लिया। लेकिन थैलियम के केस में ऐसा नहीं होता है, वो जंप कराने में एनर्जी ज्यादा लगता है और बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी कम रिलीज करता है, इसीलिए ये बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए जंप नहीं होने देता है, और नहीं होता है तो बोलता है हमारे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक ही दिखाओ और ये प्लस वन, इसीलिए वन दिखाई देता है। तो हम इसको नाम इनर्ट पेयर क्यों बोले, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि बोरॉन में जाके क्या करता था, बॉन्ड बनाता था, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन रखा रह गया, यानी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इनर्ट, ये इनर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, इनर्ट के जैसा हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाने गया है और एक पेयर में है, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रखा रह गया, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इसको इनर्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं हम, इनर्ट इलेक्ट्रॉन है ये जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है इसने, तो इनर्ट पेयर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसलिए पेयर, और इसी को बोल देते इफेक्ट, दैट्स व्हाई थैलियम प्लस वन इज मोर स्टेबल देन थैलियम प्लस थ्री। लेकिन ये केवल यही इसी पे अप्लाई होगा, बाकी पे मत अप्लाई कर देना ये चीजें, अब ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बेस पे है, क्योंकि हम हर एलिमेंट में घुस के नहीं देखेंगे ना कि यहाँ पर सर क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो हर एक्सपेरिमेंट में देख के तब बताया होगा, तब हमारे पास इंफॉर्मेशन आया होगा। ये नहीं कि सर लीड में है ऐसा तो टिन में ऐसा क्यों नहीं है, तो उसका वो लॉजिक, ये थोड़ा सा लॉजिक हमें दे दिया गया है, एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे हैं, तो ये लॉजिक जितना दिया गया उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा सबको? आई हैव सेंड ऑन व्हाट्सएप। अच्छा अब देखो लिख लिए होगे, तो समझ में आ गया लीड क्यों है। अच्छा लीड में क्यों है, तो लीड में क्या होगा, लीड सबसे नीचे है कार्बन फैमिली का, तो 6s2 और 6p2 होता है, 6s2 होता है, 6p2 होता है, तो लीड भी बोलता है हमारा इलेक्ट्रॉन जंप मत करो, हम जैसे हैं वैसे ही खुश है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जंप करोगे तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी लेंगे और बॉन्ड बनाते समय एनर्जी कम रिलीज करेंगे, तो हम जैसा है वैसा ही रहेंगे, हमें जंपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
आई हैव नो इंटरेस्ट टू जंप बिकॉज हमारे जंपिंग कराओगे तो तुम्हें ज्यादा लॉस सहना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हम चार बॉन्ड बनाएंगे जाके तो चार बॉन्ड बनाने में हम एनर्जी कम लूज करेंगे और तुम उसको जंपिंग कराने में ज्यादा एनर्जी दे दोगे, तो एंडो ज्यादा हो जाएगा और एक्जो कम होगा, तो तुम अच्छे घाटे में रहोगे, फायदे में नहीं रहोगे। इसलिए जंपिंग मत करो, जितना है उतना ही से काम चलाओ। और इसीलिए लीड दो अनपेयर रहता है तो दो ही दिखाता है, दैट्स व्हाई लीड सो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि चार बॉन्ड बनाएगा तब ना चार प्लस फोर दिखाएगा। अब उसी तरह से बिस्मत, बिस्मत का क्या होगा, 6s2 और 6p3। बिस्मत बोला, अब देखो इसके पास ऐसा नहीं कि खाली जगह नहीं है, है खाली जगह, यहां डी है अभी, लेकिन ये बिस्मत बोला कि नहीं हम जंप नहीं कराएंगे। तो ये अब दिमाग में आएगा, सर बाकी एलिमेंट में क्या सोचते हैं आप, तो बाकी एलिमेंट हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमसे बोल दिया गया है कि तुम इनर्ट पेयर केवल इन्हीं तीनों पे लगाना है, बाकी पे नहीं लगाना है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं कि सब एलिमेंट को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करने चले। तो हमें जब बोल दिया गया कि तीन पे लगाना है तो हम तीन पे ही सोचेंगे, बाकी वही दिमाग ब्लॉक कर देंगे, हम आगे नहीं सोचेंगे। तो कुछ कुछ सोचना हम जानबूझ के ब्लॉक भी करते हैं। ये क्लियर हो गया? ए रजत, हाउ दे फाउंड दैट जंपिंग दिस इलेक्ट्रॉन टेक मोर एनर्जी देन दे रिलीज। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे है, ये हमें नहीं मालूम चलेगा। और एक जवाब और बोल सकते हो, लॉजिक अपना दे सकते हो कि यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है नीचे आते समय, ठीक है, तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन इन पे ज्यादा होता है इसलिए वो जल्दी जंप नहीं करने देते हैं। तो ये अब ये भी हो सकता है, सर इनर्ट पेयर दूसरे एलिमेंट पे क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, तो वो तो हमें एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे बता दिया गया है, हम उसको लॉजिक दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम यही हमारा लॉजिक है कि इनर्ट पेयर इसी पे अप्लाई करना है, क्योंकि सब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा तब मार्केट में लॉजिक आया होगा, तब बाकी एलिमेंट पे नहीं देखते हैं, केवल यही देखते हैं। तो चीजें केमिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसका लॉजिक आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें सब पे अप्लाई नहीं कर देंगे, सब एक ही रूल के अकॉर्डिंग हम चल जाएंगे, नहीं, कहीं कहीं स्टेबिलिटी हम इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे अप्लाई करते हैं, कहीं कहीं इसमें इनर्ट पेयर पे करते हैं, ठीक है। चलो, और क्या डाउट है, व्हाट्सएप किए हो? चलो, और किसी को डाउट नहीं है ना? नया दो बार क्यों मैसेज टाइप कर रहे, एक बार मैं देख लेता हूं, दो बार खट 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 भेजते हो। जैसे मान लो हमसे पूछा गया कि MnO2 में और MnO में, देखो यहां पर हम दो तीन टॉपिक को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, कौन कौन, ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस रेडियस, साथ में और भी कुछ ये मिक्स करेंगे, ध्यान दो। अब इसमें बोला गया है कि ये दो कंपाउंड है, इस दो कंपाउंड में आप ये बताओ कि किसका रेडियस कम है, एटॉमिक साइज किसका कम है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किसका कम है किसका ज्यादा है, तो हम सेंट्रल एटम को पकड़ लेंगे, या अगर डी ब्लॉक का है तो अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि जब हम तुम्हें दे रहे थे, तुम स्टार्टिंग में हमसे पूछ रहे थे कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो अगर मैं आज बोलूं कि सेंट्रल एटम का निकालना है, तो आज केमिकल बॉन्डिंग अगर सीख गए तो ये समझ में आता है कि सल्फर का निकालना है, ठीक है। अगर इसमें सेंट्रल एटम नहीं है तो हमने एक बात और बोला था कि डी ब्लॉक वाला अगर है तो डी ब्लॉक को पकड़ लो और उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। ये चीजें समय के साथ हमें जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, Mn+4 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, Mn+2 हो गया। तो बताओ किसका साइज ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा,
होगा ना, उसका साइज ज्यादा होगा, प्लस फोर से साइज ज्यादा। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को किससे मैच कराया, रेडियस से, ठीक है। और देख लो, हमने बोला H2SO4 और H2SO3 में एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। अब एक क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है और यहाँ पर प्लस फोर है ना। अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमने दो टॉपिक मैच किया, ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या हमने मैच किया, रेडियस, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। अब अभी भी जो तुम्हारा तनाया क्वेश्चन था कि सर CO2 में और CH4 में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। एक का प्लस फोर है और एक का माइनस फोर है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जानना पड़ेगा और साथ में रेडियस जानना पड़ेगा, और रेडियस को हम कनेक्ट कर देंगे किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एसिडिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस रेडियस, ये चीजें कनेक्ट हो जाता है, तब हमें एक इनऑर्गेनिक का क्या मिलता है, एक अच्छा खासा लॉजिक मिलता है हमें, जब चीजें हम कनेक्ट करते हैं, तब जब चीजों को हम जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रेडियस का क्या लेना देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से एसिडिक कैरेक्टर का क्या लेना देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से साइज इलेक्ट्रोनिटी का क्या लेना देना है, तो कनेक्टिविटी, यानी तुम कितना उसको डेप्थ में सोच रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोनेशन एनर्जी से मेटालिक करेक्टर को क्या लेना देना है, इलेक्ट्रोपोजिटिव से मेटालिक को क्या लेना देना है, बेसिक करेक्टर को क्या लेना देना है, ये जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करना है। कनेक्ट तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। चलो, तो एक एक और क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, पैसेज है, कहाँ का पैसेज है ये? अच्छा, जो मैंने वो DPP भेजा था वो वाला है क्या, रेजोनेंस वाला होगा ये? तो देखो, तुम लोगों के पास जो DPP है हमको तो लग रहा है रेजोनेंस वाला ही है, तो पेज कुछ वैसा ही दिख रहा है।